हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जो विवादों में फंसी रही। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन ये अक्सर विवादों से घिरा रहता है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही मूवीज के बारे में। विवेक रॉय की फिल्म, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक थी। बता दें कि ये फिल्म को साल 2019 में ही रिलीज करना था, लेकिन उस वक्त चुनाव के परिणाम घोषित नहीं हुए थे और ऐसे में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए मोदी जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने फिल्म के रिलीज को पोस्टपोन कर दिया। आइए बात करते हैं फिल्म पानीपत की। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत से उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ये भी विवादों में फंसी देखी गई। फिल्म को लेकर कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुआ, कई राज्यों में फिल्म के रिलीज की रोक कर दी गई। दरअसल ऐसे आरोप लगे थे कि फिल्म में राजा सूरजमल को खराब छवि में दिखाया गया है। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। वहीं राजस्थान के सीएम तक ने सेंसर बोर्ड से फिल्म से ठीक जांच की मांग उठाई थी। जजमेंटल है क्या फिल्म आपको याद ही होगी। ये फिल्म कंगना रनौत की थी और कंगना रनौत और विवादों का तो पुराना नाता ही रहा है। कभी वो अपने बयानों की वजह से तो कभी अपनी बेबाकी की वजह से आए दिन विवादों में फंसी दिखती हैं। ये फिल्म भी काफी ज्यादा विवाद में रही। फिल्म की किसी सीन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिल्म के नाम पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल फिल्म का नाम पहले मेंटल है क्या रखा गया था। इसे प्रमोट भी इसी नाम से किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिल्म टाइटल पर आपत्ति जताई। उनकी माने तो इस टाइटल की वजह से लोगों पर ठीक असर नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सुपर 30 की। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 बॉक्स ऑफिस पर एक धमाल मचा गई, लेकिन ये फिल्म भी विवाद में फंसी रही। सभी ने एक्टर की खूब तारीफ भी की, लेकिन तारीफों के बावजूद फिल्म के एक पहलू पर ये फिल्म काफी ट्रोल हुई। फिल्म में ऋतिक को डार्क मेकअप में दिखाया गया, उन्हें मेकअप के जरिए थोड़ा डार्क दिखाया गया। अब लोगों ने इसका भी गलत मतलब निकाला उनकी नजर में, क्योंकि फिल्म में ऋतिक गरीब थे और बिहार से दिखाए गए थे, इसलिए उन्हें ये रंग दिया गया। लेकिन एक इंटरव्यू में ऋतिक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह तो सबको याद होगी। बता दें कि ये शाहिद की सुपरहिट फिल्मों में एक है। शाहिद की कबीर सिंह उन फिल्मों में शुमार है जिनकी वजह से देश में अलग अलग राय बटे। एक तरफ कुछ लोगों ने इस फिल्म को काफी मनोरंजक पाया, तो वहीं किसी ने इसे बायकॉट करने की मांग उठा दी। फिल्म में शाहिद को अपनी प्रेमिका को मारना कई लोगों को रास नहीं आया। फिल्म की वजह से बॉलीवुड पे कई तरह के सवाल भी उठे। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।